आदमी यहाँ से जाएगा फिर चाय बनाएगा या पोछा मारेगा सर। चलिए सर, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। काश काश हमारी गवर्नमेंट होती तो ये हालात होते नहीं, लेकिन तब भी हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरह बाकी फैमिलीज के साथ हुआ उस तरह आपको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और बाकी जैसे मैंने कहा, इंक्वायरी होने दो, इंक्वायरी के बाद जो होगा हमें कबूल, उसमें कोई हम रुकावट नहीं डालेंगे। मुझे लगता है ये अगर आपका पैगाम गवर्नर साहब सुने तो उनको भी लगेगा कि ये कोई मतलब उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी को भी एतराज होना चाहिए। फिर किसी को एतराज नहीं है, हमें तो बिल्कुल एतराज नहीं है। फिर अगर वो गलत निकलेगा, हम कहेंगे ठीक हो गया, ताकि दूसरे बच्चे भी साबित हो जाएंगे वो भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम अमन पसंद आते हैं, हमने यहाँ जनाब अमन रखा है अभी तक। और मैडम जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं लेकिन हालात खराब नहीं होने चाहिए। हमने हालात खराब नहीं होने दिए, हमने कहा हम अमन चैन वाले आदमी हैं, अपने गांव में क्यों हमने अमन में खलल डाल दिया। हालात ये तो आप लोगों ने सबर से काम लिया, आप लोगों ने बहुत सबर से काम लिया। मतलब इसका भी आपको फिर आपको अगर इस बात की भी सजा मिले कि आपने सबर से काम लिया, आपने कोई एहतजाज नहीं सरपंच साहब ने, मैडम जी ने, हमारे जो भी यहाँ मौजूद हमने हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें, हमारा फर्ज बनता है हम आपकी मदद करो करेंगे ना। अल्लाह ताला आप सबको सबर दे, सबर दे। चलो डेड बॉडी मिलनी चाहिए, बाकी करेंगे ना।